पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में खाद्य विभाग ने छापेमारी करते हुए थाना खटगढ़ क्षेत्र में चल रही पानी पैकिंग की फर्जी फैक्ट्री से कई हजार पानी के पाउच और अन्य सामान बरामद किया है। आम नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही फर्जी फैक्ट्रियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खास निर्देश हैं कि आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसी जाए। इसी के चलते सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम जब थाना खटगढ़ क्षेत्र के संजय नगर में एक पानी पैकिंग की फैक्ट्री पर पहुंची तो टीम के होश उड़ गए, जब उन्हें पता चला कि उक्त फर्म वर्षों से बिना रजिस्ट्रेशन और बिना मानकों के आधार पर चल रही है। खाद और औषधि विभाग की टीम ने सबसे पहले वहां भरे जा रहे पानी के पाउचों को अपने कब्जे में लेकर सैंपल भरने शुरू किए और फिर सील की जा रही पानी की बोतलों को भी अपने कब्जे में ले लिया। टीम ने इस फर्जी पानी की फैक्ट्री से 3,500 पानी के पाउच और कुछ बोतलें बरामद की हैं। टीम ने पानी भरने और दूसरा सामान भी सील कर दिया है। इस पूरी छापेमारी की जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद सिंह ने बताया कि वहां पर फैक्ट्री स्वामी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं मिला है। यहां संजय नगर है, करूला के पास जो है, वहां पे एक सूचना मिली थी कि पानी के पाउच जो है पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर के नाम से सील करके बेचे जा रहे हैं और उसके पास न तो BIS है और न FSSAI द्वारा जारी लाइसेंस था। तो उस सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पे पानी का पाउच बनाया जा रहा था और उसके पास उससे संबंधित कोई भी पेपर्स नहीं थे। तो करीब 34,200 पाउच थे और उस पाउच को सील कर दिया गया है, साथ में उसका जो मशीन वगैरह थी सारे प्लांट जो है सील कर दिए गए हैं। नमूने लिए गए हैं, मिस ब्रांडिंग का केस है, जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं और व्यापारी को नोटिस जारी किया जा रहा है। व्यापारी का नाम है सुदेश सैनी सना डोरीलाल, संजय नगर के रहने वाले हैं। तो अब रिपोर्ट आने के बाद अगर मिस ब्रांडिंग का केस पाया जाता है तो उस पर देव कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ और जिसमें कि 5,00,000 जुर्माने का प्रावधान। सर क्या उद्देश्य था इस पानी को बनाने का, क्या करते थे वो इसका? ये पानी ये दुकानों पे सप्लाई करते थे, खास करके वाइन शॉप पे ये जाती है, पाउच वाइन शॉप पे जाती है, ये 1 रुपये का बेचते हैं पाउच, वहाँ पे सेल कर देते हैं हर दुकानों में। और चूँकि पानी पाउच भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके पास सारे पेपर्स होने चाहिए, पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट और रिपोर्ट BIS के पेपर, वो सब मानक आप पूरा करते हैं। सील कर दिया गया, इनका एफिडेविट।